এই যে রিসেন্ট যেটা ঘটনা হয়েছিল এখানে এসেছিল বাঘ। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी 9:30 बज रहा है और लगभग 20-25 दिन बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और ये चीज इसलिए है कि बीच में बहुत सारा दिक्कत में फंसा हूँ। एक चीज मैं आपसे क्लियर कर देता हूँ कि मेरा टाटा निक्सन सेल हो चुका है। किस लिए हुआ है? फिनेंशियली जरा सा दिक्कत था लेकिन फैमिली के नाम से था वो गाड़ी, तो भाई मुझे पता भी नहीं था। उसके बाद वो गाड़ी सेल हो चुका था, सेल होने के बाद मुझे पता चला है। तो हालत तो अभी बहुत ख़राब है भाई, बहुत दिल से वो गाड़ी लिया था। तो भाई अभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं, अब देखते हैं कब जाके और एक गाड़ी ले पाएंगे। तो आपसे इतना ही मुझे सपोर्ट चाहिए कि अगर कंटेंट आपको पसंद आए तो कम से कम ऐसे रिटर्न मत जाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को एंड जितना हो पाए शेयर कीजिए। अभी तो हम लोग निकलने वाले हैं सुंदरवन के लिए। तीन गाड़ी जाने वाले हैं यहाँ से, एक होंडा सिटी जाएगा सुमित का, एक लवन का अल्ट्रोज जाएगा और एक ईऑन जाने वाला है। तो होंडा सिटी मैं चलाऊंगा अभी फिलहाल और सुमित अल्ट्रोज चलाएगा लवन का, बाकी ईऑन का मुझे पता नहीं। तो 12 जन टोटल जा रहे हैं। सुंदरबन का मुझे कुछ नहीं पता है, आज तक मैं गया नहीं हूँ वहाँ पे। जैसे कि आप सबको पता है कि सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ पे और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए वो फेमस है। तो लॉन्च वगैरह सारा चीज़ प्लान किया है सुमित ने, तो मुझे अभी तक नहीं पता है, जगह भी नहीं पता है, रोड रूट कुछ नहीं पता है। इतना पता है कोलकाता जाना है, वहाँ से फिर एक सोनारपुर की तरफ जाना है। अदरवाइज अभी तक तो मुझे ज़्यादा चीज़ पता नहीं है। तो निकलते हैं यहाँ से एंड उसके बाद जैसे जैसे मुझे पता चलेगा आपको भी बताते हैं। और हाँ, और एक चीज़ तो बोलना भूल ही गया मैं कि मैं अभी फ़िलहाल खड़गपुर में हूँ और अभी यहाँ पे कुछ दिन तो मैं रहने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारा कंटेंट के लिए मुझे अभी यहाँ पे रहना ही है। तो सारा प्लान इसका है, देखते हैं प्लान कितना सक्सेस रहता है। ऐसा कोई टूर में निकल रहा हूँ जहाँ मुझे कुछ नहीं पता है, तो देखते हैं आगे जाके कैसा रहता है सारा चीज़। और रात को अभी इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि कल सुबह सुबह वहाँ पे पहुँच जाएंगे शायद, एंड फिर शियालदा स्टेशन से भी एक जन को पिकअप भी करना है। तो ये सारा चीज़ है, तो इसकी वजह से भी अभी 9:30 बज रहे हैं तो अभी निकल जा रहे हैं हम लोग यहाँ से। तो लगभग 11 बज चुका है अभी और हम लोग अभी निकल रहे हैं और एक गाड़ी अभी तक आया नहीं है। तो फिलहाल निकल रहे हैं यहाँ से, शियालदा जाने पहले दिखाते हैं आपको, रुकेंगे नहीं रास्ते में, देखते हैं क्या प्लान है, अभी तक पता नहीं है। तो 2.5 का पेट्रोल फुल करवा लिए गाड़ी में, लेकिन गाड़ी का माइलेज तो भाई एक्सीलेंट आता है। तो देखते हैं कितना किलोमीटर टोटल रहते हैं यहाँ से एंड अभी तो चलाएंगे गाड़ी, देखते हैं आगे जाके कहाँ पे रुकते हैं हम लोग। तो 12:30 बज रहे हैं अभी और जस्ट कोलाघाट क्रॉस किए हैं। माँ फ्लाईओवर तो बंद रहता है रात में, मुझे इतना पता है रात में बंद रहता है माँ फ्लाईओवर। तो सेम वो डानलोब होके निकलेंगे यहाँ से, वहाँ से सियालदा जाएंगे, फिर निकलेंगे जो गोड़िया का रास्ता है वहाँ से सुंदरवन की तरफ। तो लेट तो हो गई अभी भाई, दो गाड़ी है, एक गाड़ी पीछे, यौन तो भाई बहुत पीछे है, लेट तो होने वाला है। तो चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं आपसे। तो यहाँ पे पूरा अभी चेकिंग चल रहा है जो कोलकाता में गाड़ी आ रहा है सारा। तो ये जो सेकंड हुगली रिवर है यहीं से जा रहे हैं हम लोग।
देख सकते हो जितना गाड़ी आ रहा है, मतलब बड़ा गाड़ी कोई नहीं पकड़ रहा है, छोटा गाड़ी जितना जा रहा है ना सब चेकिंग चल रहा है यहाँ पे अभी फिलहाल। तो भाई नाइट कर्फ्यू के लिए चेकिंग चल रहा है यहाँ पे, और देखिए सामने पैसा ले रहा है भाई, किस चीज़ का पता नहीं है नाइट कर्फ्यू भाई, मुझे सच में नहीं पता है अभी क्या नाइट कर्फ्यू चल रहा है यहाँ पे। अगर आप लोग को पता है तो यहाँ से अगर आ रहे हो तो भाई ये चीज़ रात को देख लीजिएगा, नाइट कर्फ्यू के लिए पूरा चेकिंग चल रहा है। तो 2:30 बज चुका है और सियालदा है और भाई सब लोग यहाँ पे निकला हुआ है, एक जन आने वाला है मेरे लिए, सुमित का जीजा जी आने वाला है, तो डिफेंस में काम करता है, तो उनको पिकअप करेंगे फिर निकलेंगे। मैप देखे अभी तक तो मैप देखे नहीं थे, अब मैप देखना पड़ेगा। तो यहाँ से जाना है हम लोग को भुवनेश्वरी, जो है वही डायमंड हार्बर रोड लेके उसके बाद दक्षिण बारासद आएगा, उसके बाद आएगा भुवनेश्वरी। मैप में मार दिए, अब मैप जहाँ लेके जाएगा वहीं जाएंगे। तो ये रहा रूट और ये नदी के बाद है सुंदरवन। चलिए देखते हैं, मजा आ रहा है। तो लगभग एक महीने बाद मैं शायद कोलकाता में गाड़ी चला रहा हूँ और इतना खाली है रास्ता, मतलब सुबह में जो रास्ता रहता है कोलकाता का और रात में, तो भाई अभी कंडीशन तो यहाँ पे सही नहीं है और कोई जंगल उंगल लग रहा है, जंगल में पास जंगल सुपारी का बोलते हैं। और ये होंडा सिटी बार बार नीचे टच हो रहा है, बस सुन लिया आवाज आपने धप धप। तो भाई पता नहीं अभी टाइम हो रहा है, फिलहाल 4:40 हो चुका है, गूगल कौन सा रास्ते में घुमा के लेके आया पता नहीं है, और फिलहाल अभी जगह भी मुझे पता नहीं है कहाँ पे हूँ अभी, फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन 5-5.5 किलोमीटर के बाद स्टेट हाईवे है, तो देखते हैं वो रास्ते भी कैसे। तो क्या नाम है, भुवनेश्वरी कितने बजे तक पहुँचते हैं देखते हैं आगे जाके। तो भाई सुबह सुबह 5:30 बज रहा है और इऑन का एक टायर फट चुका है, तो उसका स्टेपनी चेंज कर दिया है हम लोग, और अभी ये होंडा सिटी का पीछे का चक्का भी हवा कम है और इसका स्टेपनी है नहीं। अब नेक्सॉन जाके ऐसा दिक्कत में फंसे हम लोग, हो गई ना 2009 का गाड़ी है, रास्ता भी ख़राब था तो हो सकता है पंक्चर, लेकिन स्टेपनी वो देख के नहीं लाया, ये तो बहुत बड़ा गलती किया इसने। और यौन का तो भाई टायर पूरा फट गया, तो अब यहाँ पे एक टायर दुकान है, 5:30 बजे कोशिश कर रहे हैं अगर वो निकल जाए रूम से। भाई एडवेंचर हो तो ऐसा हो। तो 7 बजने जा रहे हैं और भुवनेश्वरी गांव में गाड़ी यहां पे पार्क कर दिया हूँ, दो गाड़ी है, एक गाड़ी लवन का आ रहा है अभी यहां से। भाई जाने का टाइम वो रास्ता दिखाऊंगा जो रास्ते से गाड़ी यहां पे लेके आया हूं, कम से कम 2-3 किलोमीटर तो होने वाला है, खतरनाक रास्ता है, मतलब एकदम चक्का पूरा एकदम रास्ते के ऊपर बैठ, नहीं तो लेफ्ट साइड में भी तालाब, राइट साइड में भी तालाब। भाई मतलब दिखाता हूँ आपको जाने का टाइम, मतलब वहाँ उस टाइम मैं वीडियो नहीं कर पा रहा था क्योंकि स्टीयरिंग तो मैं वहाँ पे मतलब इधर उधर देख ही नहीं पा रहा था, लेफ्ट साइड में एक जन देख रहा था, राइट साइड में मैं देख रहा था। लेकिन ठीक है,
मस्त लग रहा है, फीलिंग बहुत अच्छा है। गांव का फीलिंग तो मुझे हमेशा से अच्छा लगता है, तो भाई अच्छा लग रहा है। तो देखते हैं, अभी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पे हम लोग लॉन्च के लिए जाएंगे, तो कब तक के लिए निकलते हैं वो चीज़ देखते हैं यहाँ से एंड बताते हैं आपको। तो यहाँ पे धान निकाला जा रहा है, मस्त है। इसके साथ आते हैं ना हमेशा एडवेंचर का एकदम लेवल अलग ही रहता है। लवन का तो दिल पे हाथ रख के आए कहीं गिर ना जाए तालाब में, और इसी का ही पहचान का है यहाँ पे, और वहीं पे गाड़ी रख रहे हैं हम लोग। अभी भुटभुटी में जा रहे हैं, बहुत हल्ला मच रहा है यहाँ पे। दो भुटभुटी जा रहा है, इसमें सामान है, आपको रास्ता दिखाता हूँ। तो भाई बोल रहा है यहाँ भी शेर आता है करके, भाई मुझे नहीं पता है कौन सा गांव में कहाँ तक आए हम लोग। भाई बोल रहा है शेर यहाँ तक भी आता है। এই যে রিসেন্ট যেটা ঘটনা হয়েছিল এখানে এসেছিল বাপ ভাই যে রিসেন্ট এক সুন্দরবন কা জো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার নিকলা থা ও এই গাঁও মে আয়া থা। हम लोग पहुंच गए हैं फेरी घाट पे, लॉन्च सामने है। कितना कॉस्टिंग आया ये सुमित से पूछना पड़ेगा, उसके बाद आपको बताता हूँ कि कितना कॉस्टिंग आया लॉन्च का। तो पूरा बेट का सेटअप आप देख सकते हो, 15 जन, 2 दिन के लिए अब यहीं पे रहने वाले हम लोग। चलिए ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके बात करते हैं आपसे। और ये रहा डाइनिंग, खाना पीना सब यहीं पे, बाद बाकी सारा चीज़ भी यहीं पे, और बाथरूम, चलो दिखाते हैं बाथरूम। बाथरूम कुछ है, खुद से पानी उठाना पड़ेगा, बाथरूम ले जाना पड़ेगा। भाई क्लीन है, পরিষ্কার বাকি অভি তক তো ফিলিং বহুত আচ্ছা হ্যাঁ। আজকে লি পে এন্ড কর দে ভিডিও কো, 8 বাজ রা হে ফিলহাল, সোনে যাউঙ্গা কিউকি রাত ভর গাড়ি চলায়া হুঁ। 2 এপিসোড মে আয়েগা পুরা টুর, এক অভি তক কে লিয়ে খতম হো গিয়া, নেক্সট পুরা সুন্দরবন কা টুর রহেগা। তো আজকে লি ইহীঁ পে খতম করতে হ্যায় এন্ড মিলতে হ্যায় कल, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।